हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में सीबीएसई क्लास टेंथ की जो लास्ट यानी जो इलेवंथ पोयम है जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। देखो यार, एक बात याद रखना, कुछ लोग इसे पढ़ रहे हैं एनी एनी एनी, हो सकता है आपका टीचर भी एनी पढ़ रहा हो, तो प्लीज़ ये एनी नहीं है, ये है एन, ठीक है, एन ग्रेगरी, फॉर एन ग्रेगरी। तो यार आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है जो इंग्लिश बाबा हैं थोड़ा सा किसी भी चीज़ को अलग तरह से समझाते हैं, सही तरह से, मतलब थोड़ा मजाकिया तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो पोएट हैं डब्ल्यू बी ईट्स, उनका ना दिल आ गया था किसी लड़की पे जिसका नाम था एन, ठीक है, पागल हो गया था आदमी उसके प्यार में, उसने लड़की को कर दिया होगा प्रपोज, लड़की ने कर दिया मना। अब भाई साहब उस टाइम पर ये वाला गाना तो आया नहीं था कि वो लड़की से ये कह देता, इसमें तेरा घाटा मेरा तो कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। अब भाई साहब ये वाला गाना तो गा नहीं सकता था उसके लिए, तो अब बेचारा उदास हो गया, देवदास बन गया। अब देखो उस लड़की से क्या कहता है, क्या उन दोनों के बीच में बातें चलती हैं, क्या आर्ग्यूमेंट चलती है, वो इस स्टोरी में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो उससे कहते हैं देख ले बेटे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वो ये कहना चाहता है एक्चुअली उससे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे कोई और तुम्हें प्यार करेगा तो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा? अरे सब तुम्हारे फिगर के लिए प्यार करेंगे, तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर बाल हैं, इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं। तो चलो यार शुरुआत कर लेते हैं। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर By those great, great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. अब वो कह रहा है, कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है किससे? अपनी, अब मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकता भैया क्योंकि उसने तो मानी तो थी नहीं, वो उससे कह रहा है जिस पे उसे क्रश है, ठीक है, जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, नेवर शेल अ यंग मैन, कोई भी जवान लड़का थ्रोन इन टू डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। भाई तुम गए, तुमने किसी लड़की को प्रपोज कर लिया, उनने कर दी मना, तो भाई साहब डिस्पेयर में भर जाओगे, निराशा में भर जाओगे। वो क्या कहता है कि कोई भी जवान लड़का जो कि निराशा से भरा हुआ है, किस वजह से? बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैमपार्ट्स एट योर ईयर। अब जो चौथी लाइन में रैमपार्ट्स आया है, रैमपार्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा क्या करते थे, जब अपना महल बनवाते थे, अपना काशल, तो उन्हें ये चिंता रहती थी कहीं बाहर से आक्रमण ना हो जाए, कोई दूसरा राजा ना आक्रमण कर दे, तो बाहर की जो दीवारें बनवाता था बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, ताकि कोई अंदर घुस ही ना पाए, है ना, तो उन्हें बोला जाता था रैमपार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे रैमपार्ट जो पोएट यूज़ कर रहा है, आपने देखा होगा लड़कियों के बाल जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो कानों के पास आते हैं, तो एक तरह से वो कह रहा है कि ये भी आपकी प्रोटेक्ट करते हैं आपके कानों को। तो अब दोबारा से समझो, कोई भी जवान लड़का जो कि निराशा में भरा हुआ होगा, किस वजह से? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैमपार्ट्स एट योर ईयर, क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन जो करते हैं ये जो बाल है तुम्हारे, यहाँ पे देखो हनी कलर्ड आया, हनी कलर्ड का मतलब यार तुम लोग शहद मत समझ लेना, हनी का मतलब यहाँ पे है, अंग्रेजों के बाल देखा होंगे ना आपने, थोड़े पीले पीले से होते हैं, उसके वजह लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं यार, कोई भी लड़का, आज तो ठीक है तुमने मुझे मना कर दिया, मैं इस बात से निराशा में भरा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा, चलो ठीक है कोई भी तुम्हें तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा? अरे भैया क्योंकि तुम एकदम मस्त लगती हो, एकदम बढ़िया लगती हो, इसलिए तुम्हें प्यार करेगा। कहने का मतलब पोएट उससे बस ये कहना चाहते हैं कि ठीक है तुम्हारे सुंदर बाल हैं, तुम्हारे सुंदर हो, इस वजह से तुम्हें कोई प्यार करेगा, केवल खाली तुम ये सोचो कि नहीं मेरी जो इंटरनल ब्यूटी देख लो, मेरा दिल बहुत साफ है, आजकल का टाइम वो नहीं है। अब लड़की जवाब में क्या कहती है वो सुन लो, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब लड़की कहती है अच्छा तुम बेटा मुझसे यूं कह रहे हो कि जो कोई भी मुझसे प्यार करेगा इसलिए प्यार करेगा क्योंकि मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ, मेरा फिगर बहुत बढ़िया लगता है, मेरे बाल बहुत येलो येलो अच्छे लगते हैं, इसलिए प्यार करेगा। तो ठीक है अगर तुम ये कहते हो मेरे बालों की वजह से किसी को मुझसे प्यार होगा, तो मैं अपने ये वाले बाल रंग, इन पर रंग करवा लूँगी, कौन सा हेयर डाई करवा लूँगी मैं इन पर, कोई जैसे ब्राउन करवा लूँगी या ब्लैक करवा लूँगी या कैरेट कलर करवा लूँगी, फिर तो कोई आदमी मुझ पर नहीं मरेगा, फिर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, फिर तो अगर कोई मुझसे प्यार करेगा तो मेरी सचमुच वाली ब्यूटी के लिए करेगा, इंटरनल ब्यूटी के लिए करेगा। अब इसके जवाब में हमारे भाई साहब क्या कहते हैं वो सुन लो, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर फेलो हेयर। अब आप जो
जो कवि होते हैं, कवि देखो कवि के पास हर बात का जवाब होता है। अब वो क्या कहते हैं, कल मैंने एक साधु महात्मा का सुना था, रिलीजियस मैन मतलब साधु महात्मा को, यस्टर नाइट का मतलब है पिछली रात, कल की रात, ये कहते हुए दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव कि उसे कुछ ऐसे शब्द मिल गए थे, ऐसी चीज मिल गई थी जिससे ये साबित होता है दैट ओनली गॉड माई डियर। अब देखो कि केवल जो भगवान है, माई डियर वो कह रहे हैं उस लड़की के लिए, मेरी डार्लिंग, मेरी प्यारी और मेरी सब कुछ, मेरी डार्लिंग जो ईश्वर है केवल वो कुड लव फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो कह रहा है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आपके दिल में दूसरों के लिए कितनी दया है, क्या है, ये तो केवल भगवान देख सकता है। और भगवान ही ऐसा है इस दुनिया में जो आपको केवल इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करे। जो इंसान है वो तो इतना मक्कार है, वो तो ये देखता है वाह क्या लग रही है मैडम जी, वाह वाह। आपने देखा भी होगा यार, अगर चलो अगर अपार्ट फ्रॉम जोक्स अगर मैं सीरियस नोट पर भी बात करूँ तो आप ये जो आजकल देख रहे हो, क्या नाम है, आइटम नंबर सॉन्ग आ रहे हैं, उस साकी साकी रे साकी साकी। अब भाई साहब इसमें नोरा फतेही क्यों दिखाई दे रही हैं, पुरानी हीरोइन क्यों नहीं दिखाई दे रही, माधुरी दीक्षित क्यों नहीं दिखाई दे रही बड़ी, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई हैं। डायरेक्टर को पता है कि आदमी, जवान आदमी ये नया मसाला मांगता है ना, भले से लोगों को कितना भी वो हो, अंदर से लोग दिखाएंगे नहीं भाई इसमें कुछ नहीं रखा, अब भैया इसमें रखा है। तो ये वाली चीज जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान है वो इतना मक्कार है, इतना ख़राब है कि वो आपकी ऊपरी ब्यूटी देखता है ना कि अंदर की सुंदरता। क्या देखता है, आपका रंग देखता है, आपका रूप देखता है, आपका फिगर देखता है, आपके बाल देखता है, आपका रंग देखता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाली जो पोएम है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग सा रहा यार, मैं सॉरी, कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये सर क्या तरीका पढ़ाने का आपका है, टीचर की तरह पढ़ाया करो, पर भैया मेरा स्टाइल ही यही है यार, मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ अब। लेकिन अगर आपको ये स्टाइल बेकार लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन अगर आपको बढ़िया लगता है ये स्टाइल मेरा तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता जरूर देना ताकि मैं ऐसा स्टाइल आगे फॉलो करता रहूं। दोबारा से बस जाते हुए दोबारा से एक समरी दे देता हूं। क्या हुआ है, डब्ल्यू बी ईट्स अपनी एन ग्रेगरी से कह रहे हैं, एन ग्रेगरी ने उनके प्रपोजल को शायद रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उससे कह रहे हैं कि देख भैया कोई भी जो इंसान होगा तुझे तेरी, ऐसा नहीं खाली इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करे, वो बाहर की भी देखेगा कि लड़की एकदम मस्त है भैया, ठीक है, तेरे बाल एकदम बढ़िया हैं, गोरे गाल हैं, ठीक है, तू ये समझ रही हो कि तुझे अंदर के लिए प्यार करे तो कोई ना करेगा, ठीक है। फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे बालों पर मरते हो तो मैं अपने बालों का ही रंग चेंज करवा लूँगी, इन्हें ख़राब करवा लूँगी, काले करवा लूँगी, ये करवा लूँगी, नीले करवा लूँगी, दूसरे कलर करवा लूँगी, फिर तो कोई मुझसे प्यार करेगा मेरी इंटरनल ब्यूटी के लिए जब मैं सुंदर ही नहीं लगूँगी। तो फिर कहता है वो अलग तरह से कि बेटा कल मैंने एक साधु महात्मा को ये कहते हुए सुना कि केवल इस जीवन में ईश्वर ही ऐसा है जो आपकी इंटरनल ब्यूटी को देख सकता है। देखो एक मैसेज तो मैंने बता दिया, कहीं ना कहीं इंसानों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर कवि कटाक्ष कर रहा है कि आज की डेट में हम भूल गए हैं इंटरनल ब्यूटी क्या है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ईश्वर की महिमा को भी हमें बता रहा है। देखो ईश्वर के हम बच्चे हैं, जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, एक काला हो जाए एक गोरा हो जाए, तो ये नहीं है कि माँ केवल गोरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करेगी काले को नहीं करेगी, ऐसे ही ईश्वर हम सबके पिता हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे क्रिएटर हैं, तो उनके लिए हम सब बराबर हैं, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भैया ये गोरा ये काला ये पीला ये नीला है, इसकी हाइट कम है इसकी हाइट ज़्यादा है, तो वो केवल ईश्वर ही है। तो वो उसे समझाते हैं बेटा ऐसा तो कोई केवल ईश्वर है जो हमें केवल इस बात से प्यार करे। चलो यार पोएम हो गई ख़त्म, अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो व्हाट्सएप तो मेरा नंबर लिख लो 8059041450 8090 4 11 45। आई विल सी यू वंस अगेन, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, पोएम बढ़िया लगी हो तो शेयर कर देना, बाय।